Let's start our today's lecture. Today's lecture will start from topic number 6.13, conservation of natural and mineral resources in Pakistan. Okay. Conservation of natural and mineral resources in Pakistan. How we are using our natural resources, we will discuss now today. Okay. Some of the resources are renewable and some of the resources are non-renewable. So let's start. Conservation means using only according to requirement as efficiently as possible. A few methods of conservation are discussed here. Means conservation किसी भी चीज का ऐसे इस्तेमाल करना कि उसकी जरूरत कितनी है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, ठीक है. We will discuss now. Okay. It has two types. Let's start. Conservation of non-renewable resources. As I told you, there are two types of conservation of resources. One is non-renewable and second is renewable. Okay. What are the methods to conserve our natural resources in different way? We will discuss now. Conservation of non-renewable resources. Resources that cannot be replaced in nature are called non-renewable resources. For example, coal, oil and gas. ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो कि दोबारा इस्तेमाल में ना लाए जा सकें, एक दफ़ा इस्तेमाल में कर लिए दोबारा वो उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे. देयर आर सम मेथड टू यूज दीज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज एफिशिएंट एंड केयरफुल यूज. ओके, एज यू नो दिस इज नॉन रीन्यूएबल गैस व्हेन वी यूज्ड वंस that is not renewable. Coal, oil, once we use this this resource, that may not be renewable, that are called non-renewable resources. Our different methods to save such kind of resources, our first method is efficient and careful use. Okay, efficient and careful use of non-renewable resources like coal, gas and petroleum is necessary. Means के उसका सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अशद उसका ज़रूरी है कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें. Non-renewable resources can be conserved by getting maximum output by minimum input. ठीक है, उसका इस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि कम से कम उसका यूज़ किया जाए इनपुट उसे, मीन्स के अगर कोई भी ऐसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ठीक है, उसका इस्तेमाल कम से कम हो. और कोई भी चीज़ है, ऑयल है, ठीक है, चाहे पेट्रोल हो, ऑयल हो, गैस हो, उसका इनपुट के तौर पे उस रिसोर्स को इनपुट के तौर पे कम लिया जा सके, ठीक है, और आउटपुट हम उससे ज़्यादा ले सकें, ठीक है. जैसे मैं बता रहा था कि आपको ऑयल ऑयल कह दें, गैस कह दें, ठीक है, उसका इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि जितना वो इस्तेमाल हो रहा है उससे मैक्सिमम हम उससे आउटपुट लें, ठीक है. व्हीकल्स में अगर आप देखा जाए देखें तो व्हीकल्स में हम ऑयल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल को, ठीक है, तो ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि जिनकी वर्किंग प्रॉपर हो, प्रॉपर वर्किंग कर रही हो, तो वो क्या करेंगे कि लेस कंजम्पशन ऑफ ऑयल विल बी यूज एंड वी विल गेट द मोर वर्क आउट ऑफ इट. और सेकंड मेथड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस इज यूज फॉर होम हीटिंग इन विंटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर कूलिंग इन समर. ठीक है, अगर देखा जाए तो गर्मियों में हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. किस मकसद के लिए? जैसे एसी का इस्तेमाल करते हैं या रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रोसेस के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में. और उसके अलावा सर्दियों में हम क्या करते हैं कि वी यूज
नेचुरल गैस मोर एंड मोर फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है। और गर्म सर्दियों में हम हीटिंग पर्पस के लिए नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। सो व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन दिस यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज? वी शुड बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लेआउट सो दैट दिस कैन बी लिव लाइवेबल विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, वी शुड डिजाइन आवर हाउसेज और वी शुड डिजाइन और हाउस इन सच अ वे दैट इन समर वी मे नॉट यूज आवर एनर्जी लाइक फॉर कूलिंग एंड इन विंटर वी मे यूज लेस यूज ऑफ गैस, ठीक है। जैसे कि आप देख लें कि सर्दियों में हम हीटिंग पर्पस के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में कूलिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो वी शुड डिज़ाइन आवर हाउसेज इन सच अ वे दैट प्रॉपर वेंटिलेशन वी मे ले आउट सो दैट दिस कैन बी लाइवेबल विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, वी शुड डिज़ाइन आवर हाउसेज इन सच अ वे दैट वी डोंट यूज नीड ऑफ कूलिंग इन विंटर इन समर एंड वी डोंट नीड ऑफ हीटिंग इन विंटर, ठीक है। हाँ, इस तरह से हम डिज़ाइन करें अपने हाउसेस को, अपने घरों को, कि गर्मियों में हमें कूलिंग प्रोसेस के लिए एसी का इस्तेमाल कम से कम हो और सर्दियों में भी इसी तरह कि सर्दियों में भी हीटिंग का कम से कम इस्तेमाल हो सके, ठीक है। यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर अनदर मेथड, थर्ड, दैट इज थर्ड मेथड। व्हाट शुड वी डू टू यूज दिस रिसोर्सेज? यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वी शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अदर रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी मस्ट बी यूज्ड इन डेली लाइफ। हमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ही बेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अलावा जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और उसके बाद हाइड्रल एनर्जी, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि ये जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रल एनर्जी दे आर रीन्यूएबल, ओके, दे आर रीन्यूएबल। ऑन द अदर हैंड कोल, गैस, दे आर नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। कोयला हो गया, गैस हो गया, ठीक है, वंस दे यूज दे नेवर बी रीन्यूएबल। एंड सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रल एनर्जी दे आर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रीन्यूएबल रिसोर्स हों, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डबल्ड by applying new techniques of cracking and reforming, ठीक है। तो हमें modern techniques का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि petroleum का इस्तेमाल proper way से हम कर सकें। In modern engineering, as you know, our engineering has developed now. They are using such kind of machineries which are using less amount of petrol or fossil fuels as compared to previous one, ठीक है। अगर पुराने ज़माने से कंपेयर किया जाए, ठीक है, पुरानी मशीनरीज के साथ जो मॉडर्न मशीनरी है,
जो मॉडर्न मशीनरी है ठीक है वो एज कंपेयर टू ओल्ड वन कंजम्पशन पेट्रोल की या रिसोर्सेज की कम ले रही है और आउटपुट ज्यादा दे रही है ठीक है। वी शुड यूज मॉडर्न टेक्निक्स टू सेव आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओके इन ऑल द प्रीवियस स्लाइड्स आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने पिछली स्लाइड्स में कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्कस किया ठीक है और उसके डिफरेंट मेथड्स आपको बताए और अभी क्या डिस्कस करने लगे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने कौन से ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल हो ठीक है। द रिसोर्सेज विच आर रिप्लेसेबल इन नेचर एंड नेवर रन आउट आर कॉल्ड रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा रिप्लेस हो सकें ठीक है उन्हें क्या कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। सच एज सनलाइट वाइन प्लांट्स क्रॉप्स एंड मैनी मिनरल्स दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है। जैसे सनलाइट सूरज की लाइट होगी हवा होगी प्लांट्स हो गए पौधे हो गए क्रॉप्स हो गए और मैनी अदर मिनरल्स ठीक है दे आर रिन्यूएबल। वंस वी यूज इट एंड वी मे यूज इट अगेन एंड अगेन ओके। जैसा कि आप देख लें कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम एक दफा तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसे अगेन एंड अगेन हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट है उसे सोलर एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं वाइंड है उसे वाइंड एनर्जी हासिल कर सकते हैं प्लांट्स अगेन उगाए जा सकते हैं क्रॉप्स वो भी अगेन हासिल किए जा सकते हैं और मैनी अदर मिनरल्स उनको भी अगेन हासिल किया जा सकता है ठीक है। वी विल डिस्कस नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड्स कंजर्वेशन व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कंजर्वेशन ऑफ ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और फर्स्ट मेथड इज एफिशिएंट एंड केयरफुल यूज। एफिशिएंट एंड केयरफुल यूज एफिशिएंट एंड केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ओके। अगर हम इसका प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें तो दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे मस्ट बी यूज टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम देम। अच्छा क्योंकि ये रिन्यूएबल है मीन्स कि उसको हम अगेन हासिल कर सकते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ठीक है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें ठीक है। वी शुड यूज़ सोलर एनर्जी मोर एंड मोर सो वी मे गेट मोर बेनिफिट्स ओके। रिसाइकलिंग मोस्ट ऑफ द मिनरल्स वंस यूज डू नॉट डिस्ट्रॉय दे कैन बी रिसाइकल्ड टू फॉर्म अदर आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल्स कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग लो क्वालिटी आइटम्स। आयरन स्क्रैप इज कलेक्टेड एंड इट इज यूज अवर द अगेन एंड अगेन। स्टील इन पाकिस्तान इज मोस्टली मेड बाई री मेल्टिंग द आयरन स्क्रैप ठीक है। अब बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं जिस तरह के आयरन का स्क्रैप है ठीक है उसको दोबारा आप उससे नई चीज़ें बना सकते हैं ठीक है। और पाकिस्तान की स्टील मिल्स में मोस्टली यही होता है कि आयरन को रीयूज किया जाता है ठीक है आयरन के स्क्रैप को यूज़ करके नए नए आइटम्स को बनाया जा सकता है ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल्स मोस्ट ऑफ मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स लाइक चेयर टेबल बास्केट डिनर सेट इटीसी ठीक है। हमें अल्टरनेटिव वेव्स यूज करना चाहिए जैसा कि देख लें कि सम ऑफ द मिनरल्स आर नॉट फॉर्म इन इन हाई क्वांटिटी ठीक है। काफ़ी मिकदार में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नहीं मैसर होते तो इसके लिए हमें क्या आर्टिफिशियल वी शुड यूज अल्टरनेटिव वेज
okay, like instead of iron chair, we should manufacture chair made by plastic, table and baskets and dinner set and all other equipments. We should manufacture that in alternative ways. Okay, ऐसी चीज ऐसे minerals का इस्तेमाल किया जाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें. Our next topic is agriculture. Pakistan is an agriculture country. Presently, agriculture contributes 25% to GDP. 2/3 of total population of the country directly or indirectly depends on agriculture, and 47% of the labor force is employed in the agriculture sector, and about 60% of the total exports earning come from agriculture-based commodities. Agriculture is divided into following four subsectors. First is crop, livestock, fisheries and forestry. ठीक है, पाकिस्तान में 25% जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जो 25% बिजनेस जो है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे. ठीक है, और 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एंड 47% ऑफ द लेबर इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. 60% of total exports earning come from agriculture based. Okay, we get 60% of our earning from agriculture. Okay, there are different subsectors of agriculture. First is crops, livestock, fisheries and forestry. Means ke agriculture mein kya kya cheeze aa jati hain. Ek to fasal ke liye hum hasil karte hain, livestock means ke maal maveshi ho gaya. Theek hai, फिशरीज लाइक माहीगीरी. ठीक है, मछलियाँ, मछलियों का कारोबार. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री मीन्स के जंगलात. ठीक है, दे आर डिफरेंट सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. प्रोडक्शन ट्रेंड इन मेन क्रॉप्स. अब क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्रॉप्स में क्या चेंज आई है. रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंड्यूस्ड न्यू फास्ट ग्रोइंग एंड हाई यील्ड वैराइटीज. The use of these new varieties by farmers has enhanced the overall production of country. For example, traditional seeds of wheat could only yield four quintals of wheat per acre. ठीक है, while the new variety Maxipak has enhanced the yield of more than 30 quintals. Similarly, new varieties in other crops have also been tested. The crops grown in Pakistan are divided into two groups. Okay, one is Rabi crop and next is Kharif crops. We will discuss now. अब बहुत सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे काम कर रही है कि क्रॉप्स के जरिए डिफरेंट सीड्स के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकें. अच्छा, यहाँ पे एक जिक्र मैंने किया है क्वांटल्स. यू कैन सी हियर क्वांटल्स के इसमें क्या चेंज आ रहा है कि पहले तो हम गंदम की पैदावार हासिल करते थे फोर क्वांटल. क्वांटल कहते हैं 100 किलो को. ठीक है, क्वांटल्स 100 किलो. फोर क्वांटल्स ऑफ वीट पर एकर मींस के 400 केजी पर एकर. एक एकड़ को कहते हैं पर एकर मींस के वन एकर इज इक्वल टू 8 किनाल. ठीक है, एक एकड़ जो होता है वो 8 किनाल के इक्वल होता है, और एक किनाल आपको पता है वो 20 मरले के इक्वल होता है, और एक मरला आपको पता है वो 272 फीट पे होता है, स्क्वायर फीट होता है. ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, तो इसमें पहले तो ये था कि ट्रेडिशनल फीस जो सीड्स था मीन्स के जो हम आमतौर पर अपनी ज़रात में पुराने ज़माने में यूज़ करते थे उसे हम एक एकड़ में मींस के 8 किनाल से 400 किलोग्राम हम गंदम हासिल करते थे. लेकिन जब अब हम इसमें अ न्यू वैरायटी मैक्सीपाक हैज एनहांस्ड. जब से मैक्सीपाक मींस के एक नया बीज थ्रो
इस नए बीज की वजह से हम क्या क्या चेंज आया है एग्रीकल्चर में, 30 क्विंटल्स वी मे गेट फ्रॉम 1 एकर। ओके, ओके बेटा, विल टेल यू एट द एंड ऑफ लेक्चर। ओके, आई विल टेल यू एट द एंड लेक्चर, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो वन इज देयर एक्सेप्ट मी। सिमिलरली न्यू वराइटीज इन अदर क्रॉप्स हैव ऑल्सो बीन टेस्टेड। द क्रॉप्स ग्रोन इन पाकिस्तान आर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स। उम्मीद है आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी कि पहले हम इन ट्रेडिशनल रवायती तौर पे, ठीक है, रवायती तौर पे हम 1 एकड़ से मीन्स के 8 किनाल से 400 ग्राम 400 kg किलोग्राम हम गंदम हासिल करते थे। लेकिन जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब चेंज आया है, ठीक है, तो हम उसी मीन्स के रकबा तो वही है, 1 एकड़ 8 किनाल से हम 400 kg से की बजाय 30 क्विंटल्स मीन्स के 3,000 kg गंदम हासिल कर सकते हैं 1 एकड़ से। ठीक है, होप यू मे अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्लाइड यू मे नोट डाउन, आई विल टेल यू इन डिटेल एट द एंड ऑफ लेक्चर। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप। I told you that our crops is divided into two main groups, kharif. The sowing season of these crops begins in April, June and harvesting during October to December. For example, rice, sugar cane, cotton, maize, bajra and jowar. ठीक है, खरीफ क्रॉप जो होती है वो उसका सीजन क्या होता है, वो अप्रैल जून में उसको कास्ट किया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर मीन्स के उसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अभी जो आपका सीजन चल रहा है नाउ डेज वी हैव खरीफ क्रॉप्स। ओके, जिसमें हम शुगर कैन, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, ये जो सीजन चल रहा है ये खरीफ क्रॉप का चल रहा है। ठीक है, सम ऑफ यू मे नो, अगर किसी इफ यू अगर कोई गांव की तरफ जाता हो तो वो देख सकते हैं कि इन दिनों बाजरा, ज्वार, ये चीजें उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप्स। द सोइंग सीजन ऑफ दिस क्रॉप्स बिगिंस इन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग इन अप्रैल टू मई, फॉर एग्जाम्पल वीट, गम, तंबाकू, बार्ले एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब रबी क्रॉप्स का सीजन कब शुरू होता है, अक्टूबर टू दिसंबर उसकी काश्तकारी होती है और हार्वेस्टिंग उसकी कब होती है, अप्रैल टू मई। नेक्स्ट वन इज वीट। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट ग्रेन क्रॉप ऑफ कंट्री। इट प्रोवाइड्स अ स्टेपल फूड टू पीपल। एवरी पाकिस्तानी यूज वीट प्रोडक्ट आइटम्स डेली। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट इज मोर देन 18,000 मिलियन टन। ओके, द एनुअल यूज ऑफ आवर वीट इज 18,000 मिलियन टन। इट इज ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री बट मेन एरियाज आर इंटीरियर एंड
southern district of the Punjab and upper area of Sindh. Okay, most of our people use wheat, and 18,000 million tons is the annual production of wheat. Rice, that is also an important food as well as commercial crop. Nearly 2/3 of the production is used locally, while on average 1/3 of its production is exported. Okay, 1/3 is exported for earning. To earn the regional exchange, it's grown in vast area and occupies about 10% of the total crop area. Okay, the rice of Gujranwala Division is famous for its taste and flavor. It requires plenty of water for growth. The seed is sown in small area to prepare sapling. When saplings are about 1 feet, they are transferred to main field where enough water is available throughout the crop growing period. Water must be remain standing in the field. The best variety of rice is basmati variety. ठीक है, जैसे कि मैंने wheat का जिक्र किया, ठीक है, गंदम का, इसी तरह राइस भी एक इम्पोर्टेंट फूड है. और इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैंने ये बताया कि 10% ऑफ द टोटल एरिया ये इसके जरूरत होती. इसका प्रोसेस क्या, पनीरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे पहले तो थोड़ी सी जगह पे इसकी पनीरी उगाई जाती है, मीन्स कि थोड़ी सी जगह पे इसको उगाया जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं सैपलिंग. The seed is sown in small area to prepare sapling. पनीरी के लिए उसके पनीरी के लिए उसे उगाया जाता है जब वो तकरीबन 1 feet उनकी हाइट हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, we will separate it into another field जहाँ पे पानी, बहुत सा पानी मौजूद हो और हर वक्त पानी खड़ा ही रहे, ठीक है. Next is cotton, that is also an important non-food crop. It is called silver fiber of Pakistan. It provides raw material for the local textile industry. Cotton crop is very sensitive to weather variation and attack of pests. Government has taken measures to control the pests problem. A research institute has been established at Multan. It has discovered new varieties of cotton that have filling and fine fiber with high yields. Southern Punjab and Sindh has the favorable weather condition for cotton. अब ये कार्टन भी एक, ये तो नॉन फूड क्रॉप है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है अबाउट वेदर, क्योंकि इस पर बहुत जल्द वेदर भी एक्ट कर सकता है और उसके अलावा डिफरेंट पेट्स, कीड़े मकोड़े भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू इंक्रीज इट्स वैरायटी. Next is sugar cane. It is industrial crop of Pakistan. Bumper crop of sugar cane in recent years has made the country almost self-sufficient in sugar. It covers about 5% of the total crop area. It is grown in central Punjab, Sindh, Mardan and Dera Ismail Khan. ठीक है, ये 5% area जो है वो कवर करती है, ठीक है, तो ये कुछ एरिया जैसे पंजाब, सिंध, मर्दान और डेरा इस्माइल खान, वहाँ पे इसकी काश्त होती है. फ्रूट्स ऑफ पाकिस्तान, आवर कंट्री इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट्स आर एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स, गावा, ऑरेंज, मेलन, लेमन, डेट, रेसबेरी. ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स. अच्छा, यहाँ पे बाकी सब तो आपको पता होगा, रेसबेरी कहते हैं शैतूत को, ठीक है, शैतूत को, बाकी तो आपको पता होगा. द ड्राई फ्रूट्स आर आलमंड्स, वॉलनट, पाइन, नट एंड पीनट्स, कोकोनट्स. सो बेटा, डैट इज़ योर टूडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डिफिकल्टीज related to today's lecture, you may ask now.